ये प्रोजेक्ट रिलेट करता है आपके रोड क्रैश विक्टिम से और अगर हम थोड़ी स्टैट्स डिस्कस करें यहाँ पर देन अप्रोक्सीमेटली पर डे पर डे में अराउंड 462 पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स या आप कह सकते हो जस्ट इन थ्री मिनट्स इन एवरी थ्री मिनट वन पर्सन डाइज इन अ रोड एक्सीडेंट सो इंडिया में इतनी ज़्यादा खराब सिचुएशन है अबाउट दीज एक्सीडेंट्स

और कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलेट करती है इससे तो दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सो ये मिनिस्ट्री है जो रिलेट करती है सबसे पहले अंडरटेक होगा ये चंडीगढ़ में सो so, सबसे पहले चंडीगढ़ में ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा जिससे मेन फोकस होगा की ये स्टेब्लिश करे एक प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल केयर टू द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द गोल्डन आर सो यहाँ पे गोल्डन आर वर्ड है सो व्हाट दिस मीन्स ये आता है आपका एक्ट

दिस इज वेरी वेरी गुड बिकॉज देखो बहुत बार आप देखते हो रोड पर अगर आपकी गलती नहीं भी होती है किसी और की होती है देन ऑल्सो यू पार्ट ऑफ द एक्सीडेंट एंड बहुत बार आपने देखा है कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रेजेंटली इंडिया का दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं सो आई फील गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन दोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम एज वेल नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे अब ये आई है न्यूज अबाउट द बनाना रिपब्लिक दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर मिनियंस नहीं उनसे रिलेट नहीं कर रही है ये न्यूज ये टर्म क्या है और उसका मीनिंग क्या है उसे डिस्कस करेंगे फर्स्टली इन पॉलिटिकल साइंस टर्म बनाना रिपब्लिक डिस्क्राइब्स अ पॉलिटिकल एंड एन इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री विद एन इकोनॉमी डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है कि कोई भी कंट्री जो आपकी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों जगह बहुत ज्यादा वीक और अनस्टेबल है और उसकी जो इकोनॉमी है वो चल ही सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बेसिस पे रही है और वो भी एक्सपोर्ट्स ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज मतलब खुद से वो कंट्री कुछ नहीं बना रही है जितनी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे वो एक्सपोर्ट कर रही है और उसी से ही उसकी इकोनॉमी चल रही है ऐसी कंट्री को हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक सो दिस इज नोन एज बनाना रिपब्लिक अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे एक कंट्री जिसमें सारी चीजें एक्सपोर्ट से चल रही है देन ऑब्वियसली जहाँ पर एक्सपोर्ट्स की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है तो जो भी लोग उन एक्सपोर्ट्स को या उन्हें उस कंट्री को पैसे दे रहे हैं वही उसे इकोनॉमिकली चला रहे हैं एंड जो इकोनॉमी चलाता है या जिसके पास पैसा है उसी के पास पॉलिटिकल पावर है इन द प्रेजेंट टाइम वही पॉलिटिकली भी उसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा सो सेम थिंग इज मैं कि ऐसी बनाना रिपब्लिक्स में दे आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय फॉरन ओन कंपनीज फॉरन ओन कंपनीज जो उन्हें एक्सपोर्ट्स में हेल्प कर रही हैं

और कितने आर्टिस्ट को दिया गया है इस बार इस बार सेवन आर्टिस्ट को ये दिया गया है हुई थी आपकी इन 1953 मेन है कि ये प्रिजर्व करे और प्रमोट करे हमारी कंट्री का कल्चरल हेरिटेज थ्रू म्यूजिक डांस एंड ड्रामा नेक्स्ट देखेंगे रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है सो so, आप सबको पता होगा ये आपकी क्रिकेट से करती है. So, recently, कौन सी कंट्री है स्टेट uh, है बेसिकली जिसने विक्टोरिया से मर्ज की है इन दी ट्रॉफी ऑफ 2024 सो दैट इज मुंबई ओके अब इस बार ये याद रखना है आपको कौन एडिशन एडिशन हुआ हुआ था 42nd हुआ था ऑफ दी ट्रॉफी एंड ईयर बाद मुंबई ने ये टाइटल फिर से क्लेम किया है इस बार के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे दैट विज तनुज कोटियन एंड द प्लेयर ऑफ द मैच मुशीर खान सो ये दोनों नेम्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगे चलते हैं हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सो so, आज के दिन 15th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे एंड इस बार का थीम है आपका फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर कंज्यूमर्स सो यहाँ पर इन्होंने ए आई की रैपिड ग्रोथ को भी इंक्लूड कराया है अपने थीम में सो so, दैट जो आगे का फ्यूचर है उसमें ए आई को रिस्पेक्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर राइट नेक्स्ट चलते हैं हम कीर्ति आया है रिसेंटली

चेस टूर्नामेंट की टॉर्च पास की गई थी किस कंट्री को पास की गई थी हंगरी को पास की गई थी ये टॉर्च ओके सो रिमेंबर दैट इज वेल इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं मूविंग ऑन हम आ जाते हैं टूरिस्ट फेसिलिटी सो so रिसेंटली एक इंडियन स्टेट है जिसने करने वाली है वो अपनी यूनिक टूरिस्ट फेसिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर सो so कौन सी स्टेट है वो है आपकी महाराष्ट्र जो स्टैब्लिश करेंगी इस्ताब्लिश करने वाली है एक टू पॉइंट फाइव एकर लैंड इन ईचगम नियर श्रीनगर एयरपोर्ट वहां पे कंस्ट्रक्ट करने वाली है महाराष्ट्र भवन नेक्स्ट आते हैं अब रिसेंट में एक कोलेब्रेशन हुई है और एक कोलेब्रेशन हुई है आपकी एरोस्पेस की फील्ड में सो दिस इज बिग थिंग इसमें आपकी आईआईटी दिल्ली और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कोलेबरेट करने वाली है रिसेंट में याद रखना इजराइल से हम एक ड्रोन भी परचेज करने की बात कर रहे हैं एंड द नेम इज अरमेज नाइन ओके सो द नेम इज हेयर इट्स इंपॉर्टेंट इसकी बातें चल रही हैं सो so, ये न्यूज में काफी ज्यादा है एम क्या है एम है प्रमोट करना इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम आ जाते हैं टॉप फोर गैप वर्ड्स पे तो फर्स्ट वर्ड है आपका टायरनी विच मीन्स क्रूअल अनरीजनेबल यूज ऑफ पावर और कंट्रोल सेकेंड वर्ड है इन मतलब ये होना ही होना है विच मीन्स सर्टन टू हैडेबल थर्ड वर्ड है आपका स्पेर स्पेर मीन्स इफ यू लीव समथिंग यू डो नॉट हार्म इट फ्रो और डिस्ट्रॉय इट Lastly, we have seal which means a tight or a perfect closure. Lastly, question for the day. I hope you all answer this in the comment section. And if you have a video, then make sure you like this video. And share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we we'll end the session here. Thank you for watching.